OnePlus का न्यू फ्लैगशिप किलर फोन, शॉक्ड हो गए ना? बहुत ही टाइम हो चुका था OnePlus के नाम के साथ एक फ्लैगशिप किलर सुनना। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर भाई कहा जा रहा है कि ये फ्लैगशिप किलर फोन है। इसमें कर्व एमोलेड डिस्प्ले है, अलर्ट स्लाइडर है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, 100 वाट का फास्ट चार्जर, ये सारी चीजें अंडर 40K में। व्हाट एग्जैक्टली? मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने पहली बार इस फोन को देखा। तो ये क्या एक फ्लैगशिप किलर फोन है? आइए देखते हैं, फटाफट से बॉक्स ओपन कर लेते हैं। और ये रहा असली माल, ये देखो यार, कहीं देखा देखा सा लग रहा है। और क्या है ये रेड केबल, ये 100 वॉट फास्ट चार्जर। भाई फोन देखने में बिल्कुल OnePlus 11 के जैसा दिखाई दे रहा है, डिटो सेम लग रहा बैक से। ओहो भाई फील भी वैसी है, देखो कैमरा मॉड्यूल भी सेम है, बस यहाँ हैसलब्लेड लिखा हुआ है, यहाँ से हैसलब्लेड उड़ा दिया है। ये देखो साइज भी सेम है, कैमरा मॉड्यूल देखो यार काफी बड़ा है, देखो कैमरा बम्प तो है। इसका जो बैक है ये ग्लास है, मैट फिनिश है, काफी स्लिपरी है, लेकिन बहुत ही प्रीमियम फील होता है यार ये। और फोन स्लिम भी है यार, इतने स्लिम में OnePlus ने 5000mAh की बैटरी दी है, इसमें 100 वॉट का चार्जर मिलता है, एक्चुअली में काफी फास्ट है, जो सही में मुझे इस फोन में काफी अच्छी लगी। इसका जो फ्रेम है ये प्लास्टिक है, बैक ग्लास है विद गोरिल्ला ग्लास 5, और ग्लास टेस्ट कर लेते सच में ग्लास है या फिर। देखो भाई स्क्रैचेस तो नहीं आ, थोड़ा हार्ड करने की कोशिश करते हैं, देख लो यार कोई स्क्रैचेस तो नहीं आए, बिल्ड सॉलिड है यार। ओ भाई चलो कुछ नहीं हुआ, बस इसका वेट देखते हैं। ओके 206 ग्राम। अगर आपने इससे पहले हल्के फोन यूज किया है तो शायद आपको ये फोन थोड़ा हैवी फील होगा, बट भाई एक बात कहनी पड़ेगी फोन काफी स्लिम है। फ्रंट में 6.74 इंच की एक 1.5K, यस ये FHD प्लस नहीं 1.5K डिस्प्ले है। और ये देखो ये हल्का सा कर्व है, इतना ज्यादा आपको कर्व फील नहीं होगा, लेकिन डिस्प्ले हल्का सा कर्व है, लेकिन ये सुपर फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। इसका हैप्टिक फीडबैक मुझे बहुत सही लगा यार, इसमें हैप्टिक के लिए हाइपर इंजन टच है, बट यार हैप्टिक बहुत ही सही है यार, एकदम ऐसे आप टाइप करते हो तो वो जो वाइब्रेशन मोटर है वो फील होती है यार। डिस्प्ले में HDR 10 है, ये एक 10 बिट कलर डिस्प्ले है, और भाई डिस्प्ले क्वालिटी सो गुड। ऑफ कोर्स ये कर्व डिस्प्ले है तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फोन का बहुत ही तगड़ा है, और साइड बेजल्स देखो, ऊपर बहुत ही कम बेजल्स है, साइड में भी बहुत ही कम है, इवन नीचे चिन की साइड भी बहुत ही कम बेजल्स रखा है। यहाँ पर डिस्प्ले देखने बहुत ही प्यारा लगता है, अगर आप इसमें कोई भी मूवीज वीडियोस देखोगे आपको लगता है कि हाँ आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। बस सेटिंग पे जाके डिस्प्ले चेक करते हैं, स्टैंडर्ड 60Hz है और ये 120Hz है। भाई 120Hz पे ये देखो, ओहो वो स्मूथनेस फील होती है फोन में यार। और ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ये ADFR 2.0 के साथ आता है। अब आप बोल लोगे ये ADFR 2.0, सिंपल में समझाओ तो ये बेसिकली डायनेमिक रिफ्रेश रेट ही है, जो आपके यूसेज के हिसाब से, मतलब जिस तरह से आप यूज करोगे उसके हिसाब से रिफ्रेश रेट को चेंज करता रहे। मतलब जहां पर 40Hz की चाहिए वहां पे 40Hz, जहां पे 60Hz की जरूरत है वहां पे 60Hz, यहां पर हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत है वहां पे हाई रिफ्रेश रेट यूज करेगा। इसका फायदा ये होगा कि बैटरी कम यूज होगी यार, लेकिन एक चीज है भाई, फ्रंट में कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं है। बात करते हैं आप, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे गिरा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कितने स्लॉट है? डुअल सिम स्लॉट है, कोई एसडी कार्ड नहीं है। यहाँ माइक है, टाइप सी पोर्ट, और ये स्पीकर है, ऑफ कोर्स ये स्टीरियो स्पीकर है, नीचे पावर बटन और ये अलर्ट स्लाइडर। थैंक यू। वो OnePlus का अलर्ट स्लाइडर है भाई, ये अलर्ट स्लाइडर काफी इंपॉर्टेंट होता है फोन को साइलेंट करने के लिए, बट एक टाइम पे OnePlus ने इसे हटा दिया था और जो फैंस OnePlus के वो काफी गुस्सा हो रहे थे, बट अच्छा लगा लोगों की फीडबैक सुन रहा है OnePlus। ऊपर यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन है, एयर ब्लास्टर है और ये ऑफ कोर्स स्पीकर है। एयर ब्लास्टर जो आपको Xiaomi के फोन में देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे दे रहा है। लेफ्ट में ये पावर बटन है, इसमें सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट दे रखा है। तब देखो टच कर रहा हूँ अनलॉक हो जा रहा है, तो कह सकते हैं भाई फास्ट है। वह सिक्योरिटी चेक करते हैं, नहीं दूसरे से नहीं खुल रहा। अंडर डिस्प्ले भी फास्ट है। स्पीकर टेस्ट फुल कर लेता आवाज। रिंकी के पापा को तो पता नहीं हंसेंगे नहीं हंसेंगे, बट स्पीकर की साउंड क्वालिटी लाउड है। ये एक ऊपर यहाँ पे स्पीकर है और एक ये नीचे की साइड यहाँ पर स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर है। बैक में बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल आपको मिलेगा, ये 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरे के साथ आता है, और ये रहा वो 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद OIS सोनी IMX890 के साथ, और ये वही मेन कैमरा जो OnePlus 11 के मेन कैमरे में है। ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा, ये यूजलेस 2 मेगापिक्सल मैक्रो, कैमरे में थोड़ा सा पीछे रह गया OnePlus 11 के कंपैरिजन में। वहां पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, इसमें वो चीज मिसिंग है, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दे दिया है ना। एक और चीज में कोई हैसलब्लेड नहीं है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल सेल्फी है। अगर मैं इस कैमरे को OnePlus 11 से स्पेक्स वाइज कंपेयर करता हूं तो कैमरे में यहां पर काफी हद तक OnePlus ने बहुत सारी चीजें हटाई है, तो जिनकी कैमरा प्रायोरिटी उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। तो भाई कैमरा ओपन करते हैं और एक बार पहले इनकी फोटो लेते हैं, स्माइल, और 2x पे ये हमारे पबजी गर्ल। कैमरे में कलर्स तो अच्छे दिख रहे हैं देखो यार, और ये देखो भाई 1x में फोटो, जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल उससे फोटोज तो बढ़िया आ रहे हैं। ये देखो यार काफी अच्छी है डिटेल्स, शार्प है फोटो, और मैं कहूंगा कलर्स भी प्यारे हैं। ये देखो अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए दे रखा है, थोड़े से डल पिक्चर आते हैं, डिटेल्स भी मिसिंग है। देखो जूम करोगे बिल्कुल डिटेल्स नहीं देखी, पूरी डिटेल्स गायब है और मेन कैमरे से। और ये देखो भाई डिटेल्स थोड़े से बेटर हो सकते,
बट ठीक है, स्किन टोन काफी मुझे अच्छा लगा। अरे कुछ थोड़े से फोटोज लिए मैंने इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, आप देख लेना, आपको आपको एक आइडिया हो जाएगा कैमरा किस तरह का है। बट सच को मैंने वन प्लस 11 को भी टेस्ट किया है, जो वन प्लस 11 में हैसलब्लेड उसका जो अल्ट्रा वाइड है, उसका जो टेलीफोटो कैमरा है, उसका जो फील है, एक्सपीरियंस है, सच बताओ इसमें मैंने थोड़ी सी मिस करी। अगर मैं कैमरे फीचर्स की बात करता हूँ, नाइट मोड है, वीडियो है, और वीडियो में देखो EIS है, OIS भी है, और रियर कैमरे में आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके 4K 60fps है भाई, और मोनो में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी आप ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये रियर कैमरे से 4K 60fps पे रिकॉर्ड की जा रही है, आपको क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा, एक सेल्फी भी ले ली जाए। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखो, इनफ है डिटेल, हालांकि थोड़ा सा बेटर हो सकता था सेल्फी में डिटेल, सेल्फी सॉफ्ट नहीं करता, ये चीज मुझे अच्छी लगी। और स्किन टोन बहुत ही प्यारा लगा यार, आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से काफी बेहतर तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। उनकी सेल्फी अच्छी है, अच्छे सेल्फीज आते हैं। बाकी फ्रंट से अगर मैं सेल्फी चेक करता हूँ, ये देखो 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई वीडियो। इसमें स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 है, एंटीटू रन करके देखा, इसमें 8,43,000 प्लस स्कोर निकल के आया है। और ये जो एंटीटू स्कोर है, ये क्लोज टू फ्लैगशिप स्कोर है, जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 है, जो आपको वन प्लस 11 में दे रखा, उसका 1 मिलियन प्लस स्कोर है, उससे थोड़ा सा कम है इसका स्कोर, भाई ये भी बहुत ही तगड़ा स्कोर है। और इसका जो थर्मल है वो भी कंट्रोल है, हालांकि एक्सीलेंट ग्राफ तो नहीं है, देखो स्टार्टिंग में आपको पूरा ग्रीन ग्रीन मिलता है, थोड़ा सा डाउन कर देता है, फिर ऊपर ग्रीन है, रेड नहीं करता, ये चीज अच्छी है। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक बटन दिख रहा है, दबा दो यार। अगर हम सेटिंग्स पे जाके ग्राफिक्स चेक करते हैं, ये देखो स्मूथ बैलेंस है, HD है, HDR है, ओ भाई अल्ट्रा HD भी है, अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा ऑप्शन है, स्मूथ पे एक्सट्रीम ऑप्शन भी है, मजा आएगा हीरो गेम प्ले। ओए अरे मिल जा तुझे एक बार, बम से उड़ा दूंगा भाई। ग्राफिक्स तो देखो स्मूथ है, स्मूथ और एक्सट्रीम पे, ओए बच गया तीरो मनो सारू इस यार, बचो 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 बचो, ये देख रहा, अरे बाजीगर मनो सारू। आज मैं आपको एक पीरो गेम प्ले टिप देता हूँ, AKM के रिकॉल कैसे संभालते हैं। ये देखो आपको सबसे पहले जूम करना है, ऐसे जैसे कोई टारगेट दिखे ऐसे फायर कर देना है। ओ, अगली बार बताऊंगा। तो भाई देखो गेम प्ले तो एकदम स्मूथ है, मक्खन चल रहा है, कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, एकदम स्मूथ गेम प्ले आप कर सकते हो इसमें, जो आप करना चाहते हो। ये देखो, अरे देख रहे हो दो दो को एक साथ उड़ा रहा है। बट हाँ हल्का सा आपको यहाँ स्क्रीन की साइड में ऐसे अगर आप गाल पे लगाओगे तो आपको हल्का सा फील होगा। बाकी फोन को और आपको ठंडा करने के लिए इसमें 3D कूलिंग सिस्टम भी है, और ये देखो स्क्रीन में मल्टी टच भी है, मतलब अगर आप मल्टी फिंगर से गेम खेलना चाहते हो वो भी खेल सकते हो। इसका बेस वेरिएंट 8GB 128GB के साथ आता है, इसमें LPDDR5X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। और एक बार स्टोरेज चेक करते हैं कितना स्टोरेज फ्री मिलता है, बस 256GB वाला वेरिएंट है, इसमें करीब आपको 38.7GB के आसपास यूज मिलता है, 12GB तक वर्चुअल रैम है। एक बार सारे ऐप्स क्लोज कर देता हूँ और चेक करते हैं, क्रोम ओके ये फास्ट है, कैमरा ओके फास्ट है, यूट्यूब ये देखो ये भी फास्ट ओपन हो रहा है, ठीक है फ़ोन ये भी फास्ट है, और क्या ओपन करते हैं, कॉन्टैक्ट ये भी फास्ट है, एंटोटो ओपन कर लेते हैं, ये देखो ये भी फास्ट ओपन हो रहा है। तो भाई देखो मल्टीटास्किंग स्मूथ है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई मल्टीटास्किंग करते हो, मल्टीपल ऐप्स ओपन करते हो, तो वो स्मूथनेस तो भाई वो आपको जरूर फील होगी। अबाउट में गए तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन OS 13 दे रखा है। अगर ब्लॉटवेयर चेक करें तो कोई ऐसा ब्लॉटवेयर नहीं है फालतू, अगर आप देखोगे। बाकी फोन में डुअल 5G है, 11 5G बैंड्स का सपोर्ट है। तो ये था एक कंप्लीट OnePlus 11R। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो देखो भाई फोन तो बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसको ना मैं एक बजट फ्लैगशिप फोन बोलूंगा OnePlus की तरफ से। इस तरह से आप देख रहे हो मार्केट में जो फोन के प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा फोन चाहिए तो आपको 25,000 से 30,000 खर्च करना पड़ता है। एक टाइम पहले था जब आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस करना पड़ता था, आपको 40,000 के आसपास खर्च करना पड़ता था। आज फ्लैगशिप एक्सपीरियंस लेने के लिए 50,000 से 60,000 पे करना पड़ता है। बट ये जो फोन है OnePlus 11R अंडर 40,000 रुपीज में मिल जाएगा, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से इस फोन में एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है, इसलिए इसको मैं एक बजट फ्लैगशिप फोन बोल रहा हूँ OnePlus की तरफ से। कुछ कमी है इस फोन में, जैसे फ्रंट में 1080p पे रिकॉर्ड है, 4K नहीं है, फ्रंट में कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा कोई खास नहीं है, 2 मेगापिक्सल यूजलेस कैमरा है, कोई IP रेटिंग नहीं है। बट इसको साइड में करें तो इस फोन में जो बैटरी है, जो फास्ट चार्जर है, 100W का परफॉर्मेंस, गेमिंग एक्सपीरियंस टू गुड, इसका डिस्प्ले ब्यूटीफुल है, प्रीमियम लगता है, इसका डिजाइन देखते हो फोन को, लुक वाइज फील वाइज प्रीमियम है, कैमरा ठीक है, गुड कैमरा है, एक्सीलेंट नहीं कहूंगा, जिनको परफॉर्मेंस के साथ एक प्रीमियमनेस फील चाहिए वो इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी बैकअप एक मिनट, वीडियो लाइक कर देना, जाने से पहले शेयर कर देना, आपको ये फोन कैसा लगेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो शेयर कर देना। अब बैकअप।